हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग काफी अच्छे हैं और आपके एग्जाम के प्रिपरेशन भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि होने वाला है एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की क्या क्या बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। बट उसके पहले मैं कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा, तो चलिए मैं पहले आपको उसके बारे में बता देता हूँ। तो आप चाहें तो हमारे चैनल का मेंबरशिप प्लान ले सकते हैं, जो कि एक्सक्लूसिवली एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है। यहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी, मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या है, आपको हमारे चैनल पे आना है जिसका नाम है कॉमर्सी पाठशाला। यूट्यूब पे आपको सर्च करना है और इस वाले पेज पे आपको आ जाना है, कॉमर्सी पाठशाला। यहाँ पे आपको सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। बेल आइकन दबाने के बाद आपको यहाँ पे ज्वाइन का बटन दिखेगा। इस ज्वाइन वाले बटन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पे तीन ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे, 11, 12, बीकॉम एंड एमकॉम। तो एमकॉम में आपको आना है, जिसके लिए आपको एक नॉमिनल सा फी पेमेंट करके हमारे मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर लेना है। इस वाले बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी। कुछ बेनिफिट्स मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं, जैसे कि सबसे पहला जो बेनिफिट आपको मिलेगा वो ये है कि आपको 100 असाइनमेंट्स मिलेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको एक रुपए भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको हर एक पेपर के 100 असाइनमेंट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आपको नोट्स अगर आपको चाहिए फाइनल जो फाइनल एग्जाम होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट नोट्स जो जो सजेशन हमारी टीम तैयार करती है, अगर आपको वो चाहिए तो वो भी आपको बहुत ही सस्ते दामों पे मिल जाएंगे। अगर आपको व्हाट्सएप सपोर्ट चाहिए होता है, अगर कि आपको चाहिए होगा, 24/7 आपको व्हाट्सएप सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। चाहे वो किसी भी चीज के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन हो, आपको प्रोवाइड की जाएगी। इग्नोस से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होगी, आपको 2 साल तक जो है सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा और आपको हर एक तरह का बेनिफिट जो है मिलेगा, जो कि आपको मिलना चाहिए, है ना। इसके अलावा आपको ऑन डिमांड लेक्चर्स मिलेंगे। आपको अगर चाहिए कि किसी टॉपिक पे आप स्पेसिफिक वीडियो बनाना चाहते हो, तो उस टॉपिक पे वीडियो में बना दूंगा। इसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली आपको हमारे चैनल का जो मेंबरशिप प्लान है इसको ज्वाइन करना है, एक नॉमिनल सा फी पेमेंट करके। उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक चैट का लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पे आपको विजिट करना है। विजिट करके हमारे प्रोग्राम को, जो हमारा जो एक्सक्लूसिव व्हाट्सएप ग्रुप है, आपको उसे ज्वाइन कर लेना है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप हमारे चैनल के मेंबरशिप प्लान को ज्वाइन कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं चैनल के प्लेलिस्ट के बारे में। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर, स्टडी ठीक तरीके से नहीं हो पा रही क्योंकि हम वीडियोस को वॉच नहीं कर पा रहे, सारे वीडियोस हमें मिल नहीं रहे हैं। तो सिंपली उसके लिए सिंपल सा प्रोसेस ये है कि आपको कॉमर्सी पाठशाला में आने के बाद जो प्लेलिस्ट है, यहाँ आपको जाना है और इग्नू एमकॉम का जो सेक्शन है उसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही इग्नू एमकॉम के सेक्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, आपको IBO 1 से लेकर के IBO 6 और MCO 1 से लेकर के MCO 7 तक की सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, जहां पे ढेर सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, जिनको देख करके डेफिनेटली आप एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स ला पाओगे, ठीक है ना। तो ये तो भाई बात हो गई। अब चलते हैं यूनिट 7, जो हमारा टॉपिक था, उसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हम करने वाले हैं उसके बारे में, जो कि है बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। चलिए, तो सबसे पहले हम थोड़ा बात कर लेते हैं कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन क्या होता है। तो याद रखो कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, नाम से पता चल रहा है कि ऐसा जोन जहां पे एक्सपोर्ट्स की प्रोसेसिंग की जाती है। देखो, इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहां से बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, अपना सामान जो है इंडिया का वो फॉरेन में बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट होता है। तो जिस जगह से बहुत ज्यादा इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट होता है, उसे गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन बना दिया है। जैसे कि गुजरात में आपने सूरत का नाम सुना होगा, सूरत में बहुत सारी जो चीजें हैं वो इंडिया के बाहर जाती हैं। तो पूरा का पूरा सूरत एक्चुअली एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के अंतर्गत आता है, और जो भी इस जोन के अंदर फैसिलिटीज होती हैं, बेनिफिट्स होती हैं, उसी के बारे में हम एक एक करके अभी बात करने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए फिर लेक्चर स्टार्ट करते हैं। नाउ, ट्रेडिंग इंक्लूडिंग लेबलिंग, रीपैकेजिंग, माइनर प्रोसेसिंग, है ना। तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो है SEZ, EU, EPZ, मतलब एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन में होती है। यूनिट्स सेटअप इन SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ट्रेडिंग इंक्लूडिंग लेबलिंग, रीपैकिंग, माइनर प्रोसेसिंग में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम द DTA और फ्रॉम SEZ, EOU, EPZ यूनिट्स विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट और सेल टू अदर, ये जो नाम है SEZ, EOU यूनिट्स, और अगेंस्ट एडवांस लाइसेंस एंड स्पेशल ड्यूटी फ्री इंटाइटलमेंट्स। यहाँ पे जो बात बोली गई ना, वो सिंपल सी बात है कि अगर आप इस प्रोसेसिंग जोन में काम करते हो, अगर आपका काम इस प्रोसेसिंग जोन में है या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में है, तो यहाँ पे आपको ड्यूटी पेमेंट नहीं करना होगा, है ना। आप यहाँ पे विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी अपना जो सामान है आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो, आप सेल कर सकते हो जो दूसरे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, EOUs है, उनको आप फ्रीली बिना किसी एडवांस लाइसेंस के, है ना, एडवांस लाइसेंस के आप सेंड कर सकते हो, बिना किसी स्पेशल ड्यूटी के, बिना किसी एक्स्ट्रा पैसे के पेमेंट किए बगैर आप यहाँ पे अपने एक्सपोर्ट कर सकते हो, अपने सामानों को बाहर
भेज सकते हो। तो ये सबसे पहला बेनिफिट या फिर फैसिलिटी है जो कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन को मिलता है। दूसरा है रिकंडीशनिंग, रिपेयर एंड री इंजीनियरिंग। तो जो भी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन के लोग होते हैं या फिर जो भी वहां पे काम कर रहे होते हैं, वहां पे हर एक चीज के रिकंडीशनिंग, रिपेयरिंग और री इंजीनियरिंग की जाती है विदाउट एनी कॉस्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, गुड्स मे बी इम्पोर्टेड और प्रोड्यूस लोकली। गुड्स जो है उसको इम्पोर्ट किया जा सकता है या फिर लोकली प्रोड्यूस किया जा सकता है फॉर फिजिकल एक्सपोर्ट इन फ्रीली कन्वर्टेबल फॉरन करेंसी। यहाँ पे आप अपने करेंसी को कन्वर्ट करवा सकते हो किसी फॉरेन करेंसी में फ्री ऑफ कॉस्ट आफ्टर रिकंडीशनिंग, रिपेयरिंग एंड री इंजीनियरिंग। तो जब भी आप बाहर से सामान को इंपोर्ट करवाओगे या फिर आप इंडिया में किसी सामान को बनवा रहे हो बाहर भेजने के लिए, तो उस केस में फॉरेन करेंसी की जो कन्वर्टिबिलिटी होगी वो फ्री होगी, लेकिन आपको वो तभी वो फैसिलिटी मिलेगी जब आप अपने प्रोडक्ट का रिकंडीशनिंग, रिपेयर या फिर री इंजीनियरिंग आप करवाओगे, है ना। तो यहाँ पे कन्वर्टिबिलिटी आपको फ्री में मिल रही है, कॉस्ट आपका सस्ता नहीं हो रहा, कन्वर्टिबिलिटी आपको फ्री में मिल रही है, और समटाइम्स आपको बेनिफिट इस तरीके से भी मिलता है कि आपके कॉस्ट को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया जाता है बिकॉज आप बिजनेस लेकर के आ रहे हो हमारे इंडिया में, ठीक है ना। तो ये बेनिफिट जो है यहाँ पे मिलता है। तीसरा पॉइंट है सेल इन डीटीए। डीटीए का भाई मतलब क्या है देख लेते हैं। एसईजी यूनिट में सेल गुड्स इंक्लूडिंग बाय प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन डीटीए। तो डीटीए में जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन के गुड्स होते हैं या फिर जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं आप उसको सेल कर सकते हो डीटीए में, है ना। द सेल शुड बी इन अकॉर्डेंस विद द इंपोर्ट पॉलिसी इन फोर्स। जो भी इंपोर्ट पॉलिसी होगी उसके अंतर्गत ही जो भी नियम कानून होंगे आप उसको मान करके आपको सेल करना होगा, सब्जेक्ट टू अचीवमेंट ऑफ पॉजिटिव एनएफईपी। तो पॉजिटिव एनएफईपी आपको अचीव करना होगा, उसके बाद ही आप ये काम कर पाओगे। अब ये एनुअली होना चाहिए, क्यूमुलेटिवली होना चाहिए, पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल ड्यूटी करना चाहिए आपको। अगर ये सारी चीजें आप कर पाते हो तो आप अपने एसईजी जो भी आप गुड्स बनाओगे या फिर बाय प्रोडक्ट बनाओगे आप डीटीए में उसको सेल कर सकते हो। नो डीटीए सेल शैल बी परमिटेड टू ट्रेडिंग एक्सपो स्पेशल इकोनॉमिक जोन यूनिट, है ना। तो किसी भी तरह का डीटीए सेल परमिट नहीं किया जाएगा किसी भी ट्रेडिंग स्पेशल इकोनॉमिक जोन के लिए। जो ट्रेड कर रहे हैं उनको किसी भी तरह का सेल जो है कम पैसे में या एक तरह से जो बाई प्रोडक्ट है उसको आप सेल नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। सेल डिस्पोजल ऑफ रिजेक्ट वेस्ट स्क्रैप रिमांड्स इन डीटीए, है ना। तो एक तरीके से यहाँ पे जो डीटीए है यहाँ पे आप सेल कर सकते हो, रिजेक्ट आइटम को डिस्पोज कर सकते हो, वेस्ट आइटम को हटा सकते हो। ये सारी बेनिफिट्स आपको डीटीए में मिलेंगी और इनको आप सेल भी कर सकते हो अगर आप चाहो तो, है ना। क्योंकि जो स्क्रैप है उसको तो आप सेल ही करोगे, है ना। वेस्ट आइटम को आप फेंकना है आपको, लेकिन स्क्रैप को तो सेल करोगे। स्क्रैप वेस्ट रिमेनेंट्स रिजेक्ट्स अराइजिंग आउट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस इन अ कनेक्शन विद द देयर विद मे बी सोल्ड इन द डीटीए ऑन पेमेंट ऑफ एप्लीकेबल ड्यूटी। तो आप अगर एप्लीकेबल ड्यूटी जो भी ड्यूटी आपको पेमेंट करना, जो भी टैक्स आपको पेमेंट करना, अगर आप उस टैक्स को पेमेंट कर देते हो तो उस केस में जो भी आपके पास स्क्रैप आइटम है जो कि आपके प्रोडक्शन के दौरान आपसे बना है, प्रोडक्शन के दौरान स्क्रैप बना है, वेस्ट बना है, रेमिनेंट्स बना है, रिजेक्ट आइटम्स है, वो सारे के सारे आइटम्स आप डीटीए में सोल्ड कर सकते हो, सेल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको जो एप्लीकेबल ड्यूटी है वो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। नो ड्यूटी शैल बी पेबल इन केस ऑफ स्क्रैप वेस्ट रेमिनेंट्स रिजेक्ट्स आर डिस्ट्रॉयड विद इन द जोन आफ्टर इंटीमेशन टू द कस्टम्स अथॉरिटी और डिस्ट्रॉयड आउटसाइड द एसईजी विद प्रायर परमिशन ऑफ द कस्टम अथॉरिटीज। तो कोई भी ड्यूटी आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन केस आपका जो स्क्रैप है, वेस्ट है, रेमिनेंट्स है या फिर जो रिजेक्ट आइटम है वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं जोन के अंतर्गत, है ना। आपके जोन के अंतर्गत अगर वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं तो आपको उसके ऊपर किसी भी तरह की ड्यूटी पेमेंट नहीं करनी होती, किसी भी तरह का टैक्स आपको पेमेंट नहीं करना होता है, लेकिन आपको एक प्रॉपर इंटीमेशन जो है कस्टम अथॉरिटी को देना पड़ेगा, नहीं तो आपको जो है ये बेनिफिट नहीं मिल पाएगा, है ना। तो ये एक बात हो गई। उसके बाद का पॉइंट है सब कॉन्ट्रैक्टिंग। तो एसईजी यूनिट में सब कॉन्ट्रैक्ट अ पार्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट और प्रोडक्शन प्रोसेस इन द डीटीए विद द परमिशन ऑफ कस्टम अथॉरिटी। तो एसईजी यहाँ पे जो होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो होता है वो एक तरीके से सब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर सकता है अपने पार्ट का, जिसमें वो जो है अपने प्रोडक्ट एंड प्रोडक्शन प्रोसेस जो है जो डीटीए में उसका चल रहा है उसके लिए वो सब कॉन्ट्रैक्ट उसके अपने पार्ट का वो तैयार कर सकता है, लेकिन उसके लिए उसको जो है परमिशन लेना पड़ेगा कस्टम अथॉरिटी के पास से, है ना। तो यहाँ पे एसईजी को एक तरीके से मौका दिया जा रहा है, उसको अलाउ किया जाता है कि आप सब कॉन्ट्रैक्ट चाहो तो आप रेडी कर सकते हो, लेकिन नो सब कॉन्ट्रैक्टिंग शैल बी परमिसेबल फॉर जेम एंड ज्वेलरी यूनिट्स। लेकिन अगर आपका बिजनेस जेम एंड ज्वेलरी यूनिट्स का है, जेम एंड ज्वेलरी का अगर आप बिजनेस करते हो तो वहां पे आपको किसी भी तरह का सब कॉन्ट्रैक्टिंग का जो फैसिलिटी है वो आपको वहां पे नहीं मिलेगा,
ठीक है ना। उसके बाद का पॉइंट है देखो, इंटर यूनिट ट्रांसफर, तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उसके बीच में आप इंटर यूनिट ट्रांसफर कर सकते हो, है ना। यहाँ पे आपको जो है कुछ कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा, लेकिन यहाँ पे अलाउ किया जाता है कि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन के यूनिट्स के अंतर्गत इंटर यूनिट ट्रांसफर अपने गुड्स को आप कर सकते हो। इंटर यूनिट ट्रांसफर ऑफ गुड्स अमंग एसईजी यूनिट शैल नॉट रिक्वायर एनी परमिशन। अब इस केस में आपको किसी भी तरह की परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने यूनिट्स को ट्रांसफर कर सकते हो। बट द यूनिट शैल रिमेन प्रॉपर अकाउंट ऑफ द ट्रांजेक्शन, है ना। तो यहाँ पे इंटर यूनिट ट्रांसफर की बात की जा रही है, जो भी आप प्रोडक्ट्स आप तैयार कर रहे हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, वहां पे जितनी भी सारी यूनिट्स आप में आपस में एक तरीके से यूनिट्स को ट्रांसफर कर सकते हो, इसके लिए आपको किसी भी तरह की परमिशन नहीं लेनी होगी, लेकिन आपको प्रॉपर अकाउंट रखना पड़ेगा कि आपने कितने यूनिट ट्रांसफर किए, उसके ट्रांजेक्शन का जो जो वैल्यू है उसको आपको रिकॉर्ड में रखना पड़ेगा अच्छे तरीके से, है ना। और आखिरी पॉइंट है सेल्फ सर्टिफिकेशन। यहाँ पे आप सेल्फ सर्टिफाई कर सकते हो अपने प्रोडक्ट्स को, कैसे। ऑल एक्टिविटीज इन द एसईजे यूनिट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड विल बी थ्रू सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोसीजर एंड शैल बी मेंशन्ड बाय द कमिटी हेडेड बाय द डेवलपमेंट कमिश्नर एंड कंसिस्टिंग ऑफ ऑफिशियल्स ऑफ द इकोनॉमिक ऑफ द जोन एंड कस्टम्स, है ना। तो यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जितने भी सारी यूनिट्स होती है, जो भी प्रोडक्ट वो लोग बनाती है वो उसको खुद सेल्फ सर्टिफाई कर सकती है। अब देखो आपको लगेगा कि भाई ये तो सेल्फ सर्टिफाई कर रही है, तो यहाँ पे तो लोग जो खराब प्रोडक्ट बनाएंगे उसको भी सेल्फ सर्टिफाई कर लेंगे, लेकिन आप जरा सा सोच करके देखो कि ये पॉसिबल हो सकता है एक या दो बार। जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो और आपका सामान अगर अच्छा नहीं होगा, तो जहां पे भी आप एक्सपोर्ट कर रहे हो वो अगली बार से आपका सामान नहीं लेगा। तो यहाँ पे सेल्फ सर्टिफिकेशन इसलिए भी दिया जा रहा है ताकि प्रोडक्ट जो है, जो भी व्यक्ति उसको तैयार कर रहा है, वो खुद ही डिसाइड कर ले कि आपका प्रोडक्ट कैसा है ना। आप सेल्फ सर्टिफाई कर लो खुद से, है ना। लेकिन यहाँ पे देखो जो भी सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोसीजर होगा उसको मॉनिटर किया जाएगा डेवलपमेंट कमिश्नर के द्वारा। डेवलप कमिश्नर एक कमिटी बनाता है जिसका हेड वो होता है, और उस वो हेड हो करके जो है सेल्फ सर्टिफिकेशन प्रोसीजर को एक तरीके से हेड करता है, पूरे काम को संभालता है। अब वहां पे देखो डेवलपमेंट कमिश्नर के अलावा वहां पे बहुत सारे ऑफिशियल्स भी होंगे जो कि एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन उससे या फिर जो कस्टम्स डिपार्टमेंट है उससे रिलेटेड होंगे, उनके साथ मिल करके जो है ये लोग सेल्फ सर्टिफिकेशन का काम जो है करवाते हैं, जहां पे लोग जो है सेल्फ सर्टिफाई करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, ठीक है ना। सो दीज आर द बेनिफिट्स दैट यू विल गेट इफ यू आर वर्किंग इन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन या फिर स्पेशल इकोनॉमिक जोन। तो ये सारे वो बेनिफिट्स एंड फैसिलिटीज हैं जो कि इन लोगों को मिलती हैं, ठीक है ना। सो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। मैं फिर से आपको एनकरेज करना चाहूंगा कि आप हमारे मेंबरशिप प्लान को लीजिए, वहां पे आपको ढेर सारी बेनिफिट्स मिलेंगी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया भी था। तो आप उसको लीजिए और हमारे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच पाए और उनकी एग्जाम की प्रिपरेशन भी ठीक तरीके से हो पाए, ठीक है ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, बाय बाय, थैंक यू।